मेरा सभी पंडाल में बैठे दर्शकों से महिला बहनों से निवेदन कि आप जोरदार तालियों से इस झांकी का इन कलाकारों का हौसला जाहिर करने की कृपा करेंगे और मंच में बैठे सम्मानित सभी अतिथियों के स्वागत में भी एक बार आप पुनः जोरदार तालियों से आप सबका स्वागत करने की कृपा करेंगे। आप लोगों के सामने बहुत ही सुंदर प्रस्तुति आप देख रहे होंगे जो इस विकास खंड का एक सबसे बड़ा गांव भी है, सबसे सुदूरवर्ती गांव भी है और सबसे सुंदर गांव भी है और हर क्षेत्र में इस गांव ने तरक्की करी है, उन्नति करी है इनका ये कार्यक्रम। और जितना बड़ा ये गांव उतनी बड़ी आप यहां देख सकते हैं इनका भी जबरदस्त झांकी, जितने भी हमारी पौराणिक जो संस्कृतियाँ हैं उसकी झलक आप लोगों के सामने राजू जो यहाँ पर सोनू पंवार के द्वारा बताया गया कि जो कोठा जो किला यहाँ पर हुआ करता था वो क्षतिग्रस्त था और उसके जीर्णोद्धार के लिए उत्तराखंड सरकार ने माननीय विधायक जी के प्रयासों से 50 लाख रुपए की जो सहयोग राशि भी दी है और निश्चित रूप से अब उस राज्य से उस किले का पुनर्निर्माण होगा जो 2013 की आपदा में क्षतिग्रस्त हो गया था। तो ये यहाँ पर प्रस्तुति महिला मंगलदास सारकोट की बहुत ही सुंदर प्रस्तुति यहाँ पर मुझे पूरे वाद्य यंत्रों के साथ पूरे साजो सामान के साथ यहाँ पर उन्होंने इस किले की एक प्रस्तुति यहाँ हम लोगों के सम्मुख उजागर कर